Bihar has 50% reservation for women in panchayats. Even though on the field we realize that a majority of these women are mere nominative heads, we also see that women are increasingly coming out and asking for what's theirs. The story for Dalit women though is slightly different. We speak to Sunita Devi today from Gopalpur, a village in Patna district. She is a Mahadalit who lives in a Bhumihar dominated village, and we speak to her regarding her journey of becoming a ward member in the panchayat in a Bhumihar dominated village despite being a Mahadalit. मैं जब चुनाव जीत के आई तो मेरे गांव में भेदभाव रहा और बोलते थे कि तुम हरजन हो, तुम नीचे बैठ सकती हो, लेकिन मैं कहा कि नहीं, मेरा हक है, हम कुर्सी पर बैठेंगे। इस तरह से वहाँ पर मुखिया जी भी मुसहर दलित भी लोग रहते थे, उनको भी भेदभाव किया जाता था, लेकिन अब नहीं होता है भेदभाव। तो किस तरीके का भेदभाव होता है? तुम नीच जाति को हो, इस चलते भेदभाव होता था। वहाँ मंदिर है, मंदिरों पर भी भेदभाव होता है कि तुम नहीं मंदिर में हेल सकते हो, जितना है जो भूमिहारे लोग पूजा कर सकते हैं, लेकिन दलित लोग नहीं, महादलित लोग नहीं कर सकते हैं पूजा। इस चलते भेदभाव रहता है। और मुखिया जी के भी हम बोले कि नहीं, हमको भेदभाव नहीं चाहिए, हम अपना हक के लिए लड़ेंगे और मैं कुर्सी पर बैठूंगी जहाँ मेरा हक है। तो मुखिया जी सपोर्ट किए और बैठने के लिए कुर्सी दिए। महिला के आरक्षण मिला है तो बढ़ा है कुछ, लेकिन अभी देखा जाए तो मात्र 15% महिला है जो स्वयं से कुछ काम कर रही है, बाकी महिला जहाँ है वो वहाँ है। मतलब उनके लिए कोई और काम कर रहा है? हाँ, उनके उनके लिए काम, उनके घर का कुछ का तो है जो पति कर रहे, जो आरक्षण मिलने से कुछ जो बड़े लोग हैं जो उनका काम कर रहे हैं, बस वह साइन के अलावे कुछ भी नहीं जान रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा होने के कारण यही है कि महिलाओं को जो वो कभी उनको हमेशा दबाया जाता है कि तुम कुछ नहीं जानती हो, तुम क्या समझोगी, ये सारे तुम बाहर के माहौल है, वो तुम कुछ नहीं कर सकती हो। तो और उसमें से भी कुछ जो 15% जो आए महिला, वो जो है सभी समुदाय के में से आता है, लेकिन उससे ज़्यादा कहा जाए तो खास करके दलित लोग, तो वो तो और उनकी बातों कोई नहीं सुनते हैं। जो दलित महिला है, जो वार्ड सदस्य है, उसके और कोई बातें नहीं सुनते हैं, चाहे गांव के समुदाय हो सोनजाति को, या कोई ऑफिसर हो या कोई पदाधिकारी हो, उनकी बातों को हर लोग अनसुनी कर देते हैं।